देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं सुशांत पांडे और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जदयू के कार्यालय में जहां एक तरफ पोस्टर लगा कि क्यों करे विचार, टीके तो है नीतीश कुमार, वहीं राजद के कार्यालय में एक और पोस्टर लगा है। पोस्टर वार बिहार में शुरू हो गया है। यहाँ लिखा है क्यों ना करे विचार, बिहार जो है बीमार। ये पोस्टर में बिहार के नक्शा पे दर्शाया गया है, बेरोजगारी और आत्महत्या है, जिस तरह से बेरोजगारी बिहार में बढ़ रही है, चमकी बुखार है। हाल में ही बिहार में चमकी बुखार से 200 बच्चों की मौत हुई है। बाढ़ तो बिहार में आया ही था। लूट लगातार बिहार में बढ़ रही है, जिस तरह हत्या लगातार बढ़ रही है, आए दिन किसी न किसी की हत्या हो जा रही है। अपहरण का भी मामला बिहार में लगातार बढ़ रहा है, डकैती का मामला बढ़ रहा है, बुखार है ही बिहार में। इस तरह ये पोस्टर पर दर्शाया गया है और ये कहा जा रहा है कि क्यों ना करे विचार, बिहार जो बीमार है तो क्यों ना करे विचार। ऐसे में पोस्टर लगवाने वाले हमारे साथ नेता मौजूद हैं। ये पोस्टर आपने लगाकर क्या साबित किया? मैं जो है नीतीश कुमार जो है अंधरा हुए हैं, उनको आँख खोलने के लिए हम बताए हैं कि उत्तरी बिहार दहाड़ से है, दक्षिणी बिहार सुखाड़ में। अपहरण, लूट, डकैती, हत्या जो है पटना में ही हो रहा है और साथ में पूरे बिहार के पूरे बिहार राज्य में हो रहा है। अपहरण, लूट, हत्या, डकैती, किसी का 47 का खेला हो रहा है। ये नीतीश कुमार उसको संरक्षण दे रहे हैं और वो महाजंगल राज में बिहार को परिवर्तित कर दिए। उसके जो है जो बोलता है उनके पोस्टर पर मैंने जवाब में लिखा कि कहाँ है ये बीमार है बिहार, जवाब लिखा है कि बिहार बीमार है। आपके जो नेता हमेशा भाग जाते हैं? नहीं, भागते नहीं है, हमारा नेता कार्य कर रहे थे, सदस्य अभियान चलने वाली थी, उसकी तैयारी में हमारे नेता जो है नेताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में वार्तालाप कर रहे थे और मैंने उनसे कुछ अनुभव ले रहे थे, पुराने नेताओं से अनुभव ले रहे थे कि कैसे कैसे किया जाए। नहीं, बीजेपी के नेता से क्यों लेंगे, हमारे नेता में हमारा नेता तो इतना है कि सभी पार्टियों को सीख देता है। हमारे पार्टी में जितने बड़े बड़े नेता हैं दूसरे पार्टी उससे तो सीखता है। और हमारे पार्टी हमारा नेता जो हमारे पार्टी के बड़ी नेता से मैंने अनुभव ले रहे थे कि कार्यकर्ता जो सदस्यता अभियान जो है किस तरह से चले, बढ़िया हो, सक्सेस हो, कामयाब हो। ये जो आपने पोस्टर पे जो चीज दर्शाया है कहीं ना कहीं ये बिहार में है क्या? 100% आपका पूरा आइडिया क्या? हम भुक्त भोगी हैं, हमारे माँ बहन रोड पर जो है पेपर, जैसे ये तो हम भी कह रहे हैं और साथ साथ पेपर मीडिया भी आप लोग बता रहे हैं ना कि अपहरण हुआ, डकैती हो रहा है, लूट हुआ, छीन चोरी। आज महिला जो है रोड पर चलना मुश्किल हो गया, महिला को जो है कभी कान के कलवारी छीन लिया जाता है, कभी सिक्की छीन लिया जाता है, माँ बहन के जो है चलना जो है गुंडागिरती होता है। आज जो है देखिए मोबाइल से मोबाइल छीना जा रहा है, अपहरण हो रहा, कहीं डकैती हो रहा है, लूट हो रहा, हत्या हो रहा, ये तो प्रतिदिन जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रहा है। नीतीश कुमार जी को अगर थोड़ा सा शर्म है तभी लंब इस्तीफा दें और चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल देने के लिए तैयार है। अच्छा, तो ये आपका जो नारा है ये चुनाव तक चलेगा? चुनाव तक ही चलेगा। पूरा एकदम इनको जो है हम लोग एक एक जो है जगह रहने नहीं देंगे बचने के लिए, इसलिए कि इन्होंने जो है बिहारियों के साथ छल किया है, बिहारी के जो है अपमान करने का काम किया है। ये भाजपा से गठबंधन कर करके जो है आज ये आर्थिक स्थिति में जो जूझ रहा है, सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है बिहारी मजदूर, जो बिहार में दूसरे स्टेट में जो फैक्ट्री में काम करते थे, बिहारी मजदूर बेचारा जो है खाली हाथ होकर के यहाँ लौट रहा है। यहाँ अपहरण, हत्या, लूट भी क्राइम पर बड़े चरम सीमा पर है। अब जो है नीतीश कुमार जी थोड़ा सा सर में अपने बचा है, अभी लंब इस्तीफा दें और चुनाव में आए राष्ट्रीय जनता दल के लिए। जनता दल जो है हर कार्यकर्ता आपके लिए तैयार है लड़ने के लिए। आपके लिए एक बार मैं फिर पोस्टर की तरफ उस कैमरामैन को बोलूँगा जो लिखा है कि जिस तरह यहाँ लिखा है क्यों ना करे विचार, बीमार जो है बिहार। ये नीतीश कुमार का एक नारा था कि क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, इसका पलटवार है आरजेडी की तरफ से। इसमें बिहार के नक्शा पे सब कुछ दर्शाया गया है। पहले दर्शाया गया है बेरोजगारी, आत्महत्या, जिस तरह बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाया गया। फिर बच्चे का अपहरण, जिस तरह अपहरण बिहार में बढ़ रहा है उसको दर्शाया गया। फिर बड़े अक्षरों में लिखा है चमकी बुखार, कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से, और मुजफ्फरपुर में क्या पूरे बिहार में चमकी बुखार से 200 से 250 बच्चों की मौत हुई। उसके बाद आइए तो लूट की बात आती है, लूट को रेड में रखा गया, बिहार में लूट भी बढ़ रहा है, बाढ़ है, बिहार में बाढ़ भी आया था। उस तरफ फिर इधर देखें तो सुखाड़, एक तरफ सुखाड़ और एक तरफ बाढ़ को दर्शाया गया है। ऐसे में जदयू के पोस्टर को पूरे तरह से पलटवार किया है आरजेडी ने।
बने रहे हमारे साथ और देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी।